आज अमावस की रात है और सबको पता है कि अमावस की रात क्या होता है। जैसे ही घड़ी के 12 बजते हैं फिर शुरू हो जाता है भूतों का टाइम। लेकिन ये तो सबको ही पता है। जो नहीं पता वो ये है कि आज अमावस की रात के दिन एलियंस भी एक्टिव हो जाते हैं। MIL न्यूज के माने तो पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा UFO अमावस की रात को ही देखे गए। तो आज का दिन तो बहुत ही मनहूस है। लेकिन इन सब बातों से अनजान W अपने दोस्त घोचू के घर जा रहा है, क्योंकि उसका कल साइंस का पेपर है और वो बुक लेने अपने दोस्त के घर जा रहा है। लेकिन ये क्या, W अकेला इतने घने जंगल में, वो भी साइकिल से। लगता है आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वैसे W की मम्मी ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर तुम इस एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होते हो तो तुम्हें साइकिल के बदले एक चमचमाती नई बाइक मिल जाएगी। शायद इसीलिए W इतनी मेहनत कर रहा है। और उसने बिना कुछ सोचे समझे ये शॉर्टकट ले लिया अपने दोस्त के घर जाने का। रोड बहुत ही सुनसान थी। रात के काले अंधेरे में इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो ऐसा लगे कि जैसे बम फट गया। W जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा है कि वो किसी तरह भी इस जंगल को जल्दी से जल्दी पार करे, क्योंकि उसने इस जंगल के बारे में बहुत सी बातें सुनी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रात में 12 बजे के बाद किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, और थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसे भी किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब तक W को समझ आ गया है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी साइकिल का पैडल मारता है। W को इस बात का भी डर है कि अगर वो टाइम पर घर वापस नहीं पहुंचा तो उसकी मम्मी उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। W अपनी पूरी ताकत लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो जंगल से बाहर आ ही जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो अपने दोस्त घोंचू के घर पहुँच जाता है और बेल बजाता है। उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। वो 3-4 बार और बेल बजाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका दोस्त घोंचू दरवाज़ा खोलता है। अरे W, इतनी रात में वो भी अकेले मेरे घर, तुमको डर नहीं लगा? अरे डर वर को छोड़ो यार, हमको अपनी साइंस की किताब दो, बहुत पढ़ाई करनी है। घोंचू जैसे ही अंदर किताब लेने जा रहा होता है, W का दूसरा दोस्त भोंदू वहाँ अपनी खाया चूसा लेके पहुँच जाता है। अरे W, तुम इतनी रात में यहाँ अकेले, वो भी अपनी साइकिल से? हाँ, किताब लेने आए हैं, तुम यहाँ कैसे? अरे हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा अपने दोस्त से मिलते हुए जाएं। घोंचू ने दोनों से बोला कि अंदर आ जाओ, थोड़ी देर साथ में बैठते हैं और चाय पीते हैं। भोंदू बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, साथ में थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर W मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अब साइकिल से वापस जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत रात हो गई है। फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर हो जाती है और तीनों दोस्त खिड़की पर बैठकर साथ में चाय पीते पीते बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज से एक लाइट चमकती है। तीनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट की चमक बहुत ज़्यादा है। सब एक दूसरे से पूछते हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि लाइट की चमक इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। फिर धीरे धीरे लाइट की चमक कम होती है और जो इन्होंने देखा वो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि W और उसके दोस्तों को जो दिखा वो बस उन्होंने किताबों, इंटरनेट या यूट्यूब पर पढ़ा या सुना था, क्योंकि उनके सामने था एक UFO। हाँ, एक गोल तश्तरी जैसी चीज़ जिसे बहुत सारे लोग उड़न खटोला या उड़ने वाली चीज ही बोलते हैं। UFO को देखकर तो इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तभी UFO से एक लाइट निकलती है और जब वो लाइट हटती है तो वहाँ पे बहुत सारे एलियन होते हैं। ये देखकर तो W और उनके दोस्तों को यकीन आ ही गया था कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक सच्चाई है और एलियंस सच में धरती पर आते हैं, और आज तो वो उनके सामने ही थे। सारे एलियंस धीरे धीरे करके जंगल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं और ये धरती पर आए क्यों हैं? किसी को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए? क्योंकि अगर ऐसा करना होता है तो ये बहुत पहले ही ये कर चुके होते। लेकिन जंगल में इनका क्या काम, जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सारे सवाल W के मन में चल रहे थे। तभी W बोलता है कि चलो इनका पीछा करते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, हो सकता है इनको हमारी मदद की ज़रूरत हो। तभी W का दोस्त बोलता है, एलियंस को इंसानों की क्या ज़रूरत, उनके सामने हम गए ना तो हमको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हमको वो लोग। अरे तुमने कोई मिल गया मूवी नहीं देखी, उसमें जादू कितना अच्छा एलियन होता है। तभी W का दोस्त भोंदू बोलता है कि W, तुम सच में पागल हो गए हो, एलियंस भी कभी अच्छे होते हैं क्या, और पिक्चर कब से सच्ची होने लगी? लेकिन W नहीं मानता और उनका पीछा करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, और ये देखकर भी W के दोस्त उसके पीछे जाने लगते हैं। अब W और उसके दोस्त घर से बाहर आ जाते हैं और भोंदू अपनी खाया चूसा पर बैठ जाता है। तभी W उससे कहता है, ए भोंदू, यहाँ तुम्हारी खाया चूसा काम नहीं आएगी, तुम्हारी मोटरसाइकिल की आवाज़ वो सुन लेंगे, इसलिए हमको साइकिल से उनका पीछा करना पड़ेगा। तभी तीनों दोस्त साइकिल पर बैठ जाते हैं और उनका पीछा करने के लिए निकल लेते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे एलियंस के पीछे जा रहे हैं। और
काफी देर हो जाती है और डब्लू और उनके दोस्तों को पता ही नहीं चलता कि वो पीछा करते करते इतने घने जंगल में इतने अंदर तक जा चुके। तभी भोंदू डब्लू से कहता है कि इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कुछ यहाँ ढूंढ रहे हैं, लगता है इनका कुछ यहाँ खो गया है, ये यहाँ पर उसी को ढूंढने आए। डब्लू बोलता है कि चुप रहो एकदम, अगर एलियन ने सुन लिया ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे तीनों दोस्त उनका पीछा करते रहते हैं, काफ़ी देर हो जाती है और वो उस जंगल में और अंदर चलते ही चले जाते हैं। तीनों दोस्त एलियंस का पीछा करने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उस जंगल में कितना अंदर की तरफ आ चुके हैं, और अब वो अगर चाहें भी तो इतनी आसानी से वो इस जंगल से बाहर निकल भी नहीं सकते। तभी टब्लू के दोस्त का हाथ टब्लू की साइकिल की घंटी पर जोर से गलती से पड़ जाता है और साइकिल की घंटी की आवाज़ होती है। सारे एलियंस तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं और उन एलियंस का चेहरा देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक अच्छे एलियन थे। तभी एक एलियन अचानक से टब्लू और उनके दोस्तों की तरफ बढ़ता है और टब्लू जल्दी से साइकिल घुमाता है और वहाँ से भागता है। टब्लू फिर से एक बार अपनी सारी ताकत लगा देता है साइकिल चलाने में, लेकिन इस बार वो साइकिल पर अकेला नहीं, उसके दोनों दोस्त भी हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है। अब सारे एलियंस टब्लू और उसके दोस्तों के पीछे पड़ चुके हैं और वो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब एलियंस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू करते हैं, वो लेज़र से टब्लू और उनके दोस्तों की तरफ हमला कर देते हैं और अचानक से एक लेज़र टब्लू की साइकिल के टायर पर लग जाती है और थोड़ी देर में टब्लू और उसके दोस्त हवा में होते हैं। क्या होगा जब टब्लू और उनके दोस्त एलियंस के हाथों में आएंगे? क्या एलियंस उनको मार डालेंगे? ये एलियंस पृथ्वी पर आए क्यों और वो जंगल में ढूंढ क्या रहे थे? ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस वीडियो, सो इफ यू गाइज लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, ये मुझे मोटिवेट करेगा इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय।